हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दिवाली अब समाप्त हो चुकी है और मुझे पूरी आशा है आप सबने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी होगी। दोस्तों, आप सब देख रहे हैं, ना केवल केंद्रीय स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी, मध्य प्रदेश में भी लगातार काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस एग्ज़ाम से रिलेटेड निकाले जा रहे हैं। यदि अब तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आपके सामने नहीं आया जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, तो जल्द ही उस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने के आसार भी बन रहे हैं। तो दोस्तों, यदि अब तक आप लोग जागृत नहीं हुए, अब तक आपने अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की, तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बाद में जागृत होने का या लेट सोकर उठने से अच्छा है कि आप सोकर ही ना उठें, जागृत ही ना हो आप, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। आपको सबसे पहले जागृत होना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब ही आपका सिलेक्शन होगा। आप थोड़ा भी देर करते हैं, थोड़े भी लेट होते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इससे बढ़िया यह है कि आप सोते रहें, बिल्कुल ना उठें, बस खुद से यह उम्मीद लगाना छोड़ दें कि इस तरीके से बिना मेहनत किए सोते सोते आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, अब आप पढ़ाई चालू कर दें। दोस्तों, कंपटीशन बहुत है, आपको लगातार कड़ी मेहनत करनी होगी। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, या जो स्मार्ट वर्क को प्रेफरेंस देते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क करने की भी नितांत आवश्यकता है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं इस उम्मीद के साथ कि अब तक आप लोग जागृत हो चुके होंगे और अपनी पढ़ाई की ओर पूरा फोकस कर रहे होंगे, पूरे ध्यान से, पूरे मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, जो आपके लिए MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 के साथ साथ उन सभी एग्जाम्स में सहायक सिद्ध होगा जिनमें भी केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की। दोस्तों, के संथानम समिति 1962 की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया और यह एक सांवैधानिक निकाय है। दोस्तों, आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, के संथानम समिति का संबंध केंद्रीय सतर्कता आयोग से है, अर्थात CVC से है, जिसका गठन 1962 में किया गया था। यह वह दूसरी बात है जिसको आपको ध्यान रखना है। और तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वह यह है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सांवैधानिक निकाय है। आप इन 3 बातों को ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना। दोस्तों, 11 फरवरी 1964 को हुई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 11 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई एवं नई दिल्ली में इसका मुख्यालय बनाया गया। यदि हम संरचना की बात करें तो दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक मुख्य आयुक्त और 2 आयुक्त होते हैं अधिकतम, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है, एवं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान मुख्य आयुक्त सुरेश N. पटेल हैं एवं इस आयोग के प्रथम मुख्य आयुक्त N. S. राव थे। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं CVC अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यों की। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना, सरकारी कर्मचारी के अपने अधिकार का दुरुपयोग करने पर जांच करना, आगे की कार्यवाही को CBI को सौंपना। विशेष तथ्य की यदि हम बात करें तो दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा 11 सितंबर 2003 को प्रदान किया गया। दोस्तों, ऊपर हमने देखा था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग
सांविधिक निकाय है। दोस्तों सीबीसी का आदर्श वाक्य है सत्यनिष्ठा और प्रतिज्ञा। आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न बन सकता है कि सत्यनिष्ठा और प्रतिज्ञा किस संस्था का या किस आयोग का आदर्श वाक्य है। दोस्तों सीबीसी का प्रतीक चिन्ह का डिजाइन श्री विनय सरकार ने किया था। मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग का गठन 1 मार्च 1964 को किया गया। तो दोस्तों ओवरव्यू में जितने भी तथ्यों की हमने चर्चा करी, एक बार फिर से हम उन तथ्यों को रिवाइज कर लेते हैं ताकि एग्जाम तक आपको वह तथ्य ध्यान रह सकें। सबसे पहले हमने देखा था वर्ष 1962 में के संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया, जो कि एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना दोस्तों 11 फरवरी 1964 को की गई थी एवं इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी संरचना में एक मुख्य आयुक्त एवं अधिकतम 2 आयुक्त या अन्य आयुक्त शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले हो तब तक होता है। दोस्तों इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। दोस्तों इसके बाद हमने बात करी थी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान मुख्य आयुक्त हैं सुरेश एन पटेल एवं प्रथम मुख्य आयुक्त थे एन एस राव। फिर हमने बात करी थी केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यों की, जिसमें हमने देखा था कि इसके कार्य में सरकारी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना शामिल है। दोस्तों सरकारी कर्मचारी के द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग करने पर भी यह जांच का अधिकार रखते हैं। आगे की कार्यवाही सीबीआई को सौंपने का कार्य भी इन्हीं का होता है। इसके बाद हमने बात करी थी केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित विशेष तथ्यों की, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा 11 सितंबर 2003 को प्रदान किया गया। इसका आदर्श वाक्य है सत्यनिष्ठा और प्रतिज्ञा। दोस्तों सीबीसी का प्रतीक चिन्ह का डिजाइन श्री विनय सरकार ने बनाया था। एवं अंत में हमने विशेष तथ्य में बात करी थी कि मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग का गठन 1 मार्च 1964 को किया गया था। दोस्तों अब हम एक एक करके विस्तार से केंद्रीय सतर्कता आयोग के समस्त पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पृष्ठभूमि एवं विकास पर, फिर परिचय पर, उसके बाद हम इसकी संरचना देखेंगे, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें की बात हम करेंगे, कार्यकाल को देखेंगे, त्यागपत्र व पद से हटाने के संबंध में हम चर्चा करेंगे, रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन के बारे में भी हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे आयोग के कार्यों की, अध्यक्ष की सूची की, एवं अंत में हम एक अलग वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग की। तो दोस्तों हम शुरुआत करेंगे पृष्ठभूमि एवं विकास से। भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए 1947 में गठित वक्षी टेकचंद्र समिति को पहली कोशिश माना जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वक्षी टेकचंद्र समिति का संबंध कैसे है, भ्रष्टाचार से है। आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। दोस्तों सन 1950 में गोरवाला समिति का गठन हुआ, जिसने पाया कि भारत में मंत्री और सांसद विधायक आदि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। गोरवाला समिति भी आप ध्यान रखें 1950 में गठित एवं संबंध भ्रष्टाचार से। दोस्तों इन समितियों और उनकी सिफारिशों के बावजूद भारत में भ्रष्टाचार की गति कभी थमी नहीं थी। इन परिस्थितियों में तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए 1962 में तमिलनाडु के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के संथानम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। दोस्तों के संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में
केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। आपसे के संथानम समिति के गठन का वर्ष पूछ सकते हैं, आप याद रखें 1962 में के संथानम समिति का गठन किया गया। यह समिति भी भ्रष्टाचार से संबंधित थी, जिसने अपनी सिफारिश प्रेषित की एवं 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे परिचय की। तो दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 11 फरवरी 1964 को किया गया। इसे वैधानिक दर्जा 11 सितंबर 2003 में प्रदान किया गया। यह एक सांविधिक आयोग है। दोस्तों, कार्मिक प्रशासन मंत्रालय इस आयोग के लिए नोडल एजेंसी का कार्य करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका आदर्श वाक्य सत्यनिष्ठा और प्रतिज्ञा है। दोस्तों, अब तक हमने बात करी केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 11 फरवरी 1964 को किया गया, इसे वैधानिक दर्जा 11 सितंबर 2003 को प्रदान किया गया, जिसके बाद से यह सांविधिक आयोग बना। दोस्तों, कार्मिक प्रशासन मंत्रालय इस आयोग के लिए नोडल एजेंसी का कार्य करता है। इस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसका आदर्श वाक्य है दोस्तों सत्यनिष्ठा और प्रतिज्ञा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आयोग की संरचना की, जो कि 1+2 की संरचना है। इसमें एक मुख्य आयुक्त एवं दो आयुक्त, या जिनको हम अन्य आयुक्त भी कहते हैं, वे शामिल होते हैं। दोस्तों, एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इसका अध्यक्ष होता है। अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त इसमें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। दोस्तों, सतर्कता आयुक्त किसी प्रशासनिक सेवा में रहे अनुभवी व्यक्ति को बनाया जाता है। नियुक्ति एवं सेवा शर्तों की यदि हम बात करें, तो दोस्तों मुख्य आयुक्त और आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। दोस्तों, इस चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में शामिल होते हैं। इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री इसमें शामिल होते हैं। कुल मिलाकर 3 व्यक्ति इस चयन समिति में शामिल होते हैं। दोस्तों, मुख्य आयुक्त और आयुक्त के वेतन भत्ते का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के वेतन भत्ते संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होते हैं, आपको यह बात भी ध्यान रखनी है। अब हम चर्चा करते हैं CVC के प्रतीक चिन्ह की। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, यह इसका प्रतीक चिन्ह है। दोस्तों, प्रतीक चिन्ह में एक आँख का चित्र है, जो अंग्रेजी के सी अक्षर के भीतर हिस्से में प्रदर्शित होता है। दोस्तों, यहाँ पर चिन्ह की स्पेलिंग मिस्टेक है, अधिकतर पुस्तकों में आपको इसी तरीके से देखने मिलेगी। चिन्ह इस तरीके से लिखा जाता है, आप इस बात को ध्यान रखें। वैसे जिस एग्जाम में हिंदी पूछी जाए, यह जानकारी उस एग्जाम के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से चिन्ह या चिन्ह इसका कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, अब हम फिर से वापस आते हैं प्रतीक चिन्ह पर। दोस्तों, प्रतीक चिन्ह में एक आंख का चित्र है, जो अंग्रेजी के सी अक्षर के भीतरी हिस्से में प्रदर्शित होती है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। इसका नीला रंग लोक सेवकों का समाज के प्रति सतर्क रहने का प्रतीक है। आपको यहाँ पर ब्लैक या काला रंग ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यह नीला रंग है। इस चिन्ह को डिजाइन करने का श्रेय श्री विनय सरकार को दिया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्त के कार्यकाल की। दोस्तों, मुख्य आयुक्त और आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है। दोस्तों, आयुक्त एवं अन्य आयुक्त दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होते। आपको दो बातें याद रखनी है, पहला कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो, एवं दोबारा इनकी नियुक्ति नहीं की जाती। अब हम चर्चा करेंगे मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्त का त्यागपत्र व पद से हटाने के बारे में। दोस्तों, आयोग के मुख्य आयुक्त और आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति त्यागपत्र के अलावा मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्त को 2 प्रकार से पद से हटा सकता है।
चूंकि त्यागपत्र अपनी इच्छा से मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्त का त्यागपत्र एवं पद से हटाने के संबंध में। दोस्तों, आयोग के मुख्य आयुक्त और आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्त को दो प्रकार से इनके पद से इनको हटा सकते हैं। पहला प्रकार, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। दूसरा प्रकार, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकता है यदि जांच में ऐसा पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति केवल कदाचार, जिसको हम मिसकंडक्ट कहते हैं, या असमर्थता का दोषी है। इस आधार पर राष्ट्रपति इनको इनके पद से हटा सकता है। एवं एक दूसरा तरीका भी है, जिसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना भी संबंधित व्यक्ति को इनके पद से हटा सकता है, जिसके आधारों में शामिल है, मानसिक रूप से यदि व्यक्ति अस्वस्थ पाया जाता है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, या वह व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाता है। तो इन तीन आधारों के आधार पर दूसरे प्रकार से, अर्थात सुप्रीम कोर्ट की जाँच के बिना भी, राष्ट्रपति संबंधित व्यक्ति को उसके पद से निष्कासित कर सकता है या पद से विमुक्त कर सकता है। अब हम बात करेंगे रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन की। तो दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन वर्ष समाप्ति के 6 माह के भीतर राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन वर्ष समाप्ति के 6 माह के भीतर राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन के समक्ष रखवाता है। इसके अलावा अब हम चर्चा करेंगे आयोग के कार्यों की। तो दोस्तों, किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किए गए अपराधों की जांच करना। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के कामकाज की देखरेख करना। केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों को भ्रष्टाचार मामलों में सलाह देना। लोकहित उद्घाटन तथा सूचक की सुरक्षा से संबंधित संकल्प के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करना तथा आयुक्त कार्यवाही की अनुशंसा करना। केंद्र सरकार के मंत्रालयों व प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नज़र बनाए रखना। केंद्रीय सतर्कता आयोग को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 के तहत लेन देन संबंधी सूचना को प्राप्त करने का विशेष अधिकार दिया गया है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग के संगठन की, जिसमें शामिल है सचिवालय। दोस्तों, सचिवालय में एक सचिव, संयुक्त सचिवगण, उप सचिवगण, अपर सचिवगण तथा कार्यालय कर्मचारी शामिल होते हैं। मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा, दोस्तों CVC की तकनीकी शाखा है, जिसमें मुख्य अभियंता इसका मुख्य तकनीकी परीक्षक होता है। इसके अलावा विभागीय जांचों के लिए आयुक्त होते हैं, CDI। CDI लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही की मौखिक जांच करता है। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्षों की सूची की। तो दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे श्री NS राव से, जिनका कार्यकाल 1964 से 1968 तक रहा। फिर श्री S दत्त 1968 से 1972, फिर श्री VK आचार्य 1972 से 1977, श्री MG पेम्पूतकर 1977 से 1980, श्री RK त्रिवेदी 1980 से 1982, श्री RP खन्ना 1982 से 1985, श्री UC अग्रवाल 1985 से 1988, श्री CG सौम्या 1988 से 1990, श्री TU विजय शेखरन 1990 से 1995, श्री SV गिरी 1995 से 1998,
श्री एन बिट्ठल 1998 से 2002, श्री पी शंकर 2002 से 6, श्री प्रत्युष सिन्हा 2006 से 10, श्री पी जे थॉमस 2010 से 11, श्री प्रदीप कुमार 2011 से 14, श्री राजीव 2014 से 15, श्री के वी चौधरी 2015 से 19, श्री संजीव कोठारी 2019 से 21, फिर वर्तमान में श्री सुरेश एन पटेल जून 2021 से अब तक। दोस्तों, इन अध्यक्षों की सूची में आपको विशेष रूप से पहले अध्यक्ष श्री एन एस राव, इनको एवं वर्तमान अध्यक्ष श्री सुरेश एन पटेल को आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करेंगे केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की। दोस्तों, CBI भारत की प्रमुखतम जांच एजेंसी है। CBI का गठन 1 अप्रैल 1963 में भारत सरकार के एक संकल्प के माध्यम से किया गया था। दोस्तों, CBI एक सांवैधानिक निकाय नहीं है एवं दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। दोस्तों, आपको CBI के बारे में ध्यान रखना है, यह सांवैधानिक निकाय नहीं है एवं दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के माध्यम से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। यह अधिनियम CBI के दृष्टिकोण से आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, आपको आवश्यक रूप से इसका नाम एवं सन ध्यान रखना है। दोस्तों, CBI के निदेशक पहले निदेशक DP कोहली थे, जिनका कार्यकाल 1963 से 1968 तक रहा। आपको ध्यान रखना है, CBI के पहले निदेशक DP कोहली, जिनका कार्यकाल 1963 से 1968 तक रहा। दोस्तों, वर्तमान में CBI के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हैं। CBI को पिंजरे में बंद तोते की संज्ञा दी गई है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। CBI के कार्यपालक भारत के प्रधानमंत्री हैं। आपको सारे तथ्य CBI से रिलेटेड याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे CBI के प्रमुख विभागों की, जिसमें शामिल है अन्वेषण एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, अपराध अभिलेख एवं सांख्यिकी विभाग, अनुसंधान विभाग एवं विधि एवं सामान्य विभाग। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एग्जाम हेल्प की। दोस्तों, इंटीग्रिटी डेवलपमेंट इंडेक्स का विकास केंद्रीय सतर्कता आयोग और IIM अहमदाबाद ने मिलकर किया है। इंटीग्रिटी डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका विकास किसने किया? CVC एवं IIM अहमदाबाद ने मिलकर किया। आपको यह तथ्य भी ध्यान रखना है। दोस्तों, CBI भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार CBI में जितने भी तथ्यों की हमने बात करी, एक बार हम फिर से उनका रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें हमने देखा था भारत सरकार की प्रमुखतम जांच एजेंसी है, इसका गठन 1 अप्रैल 1963 को भारत सरकार के संकल्प के माध्यम से किया गया। हमने यह भी बात करी कि CBI एक सांवैधानिक निकाय नहीं है। दोस्तों, यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से शक्तियां प्राप्त करता है। यह अधिनियम आपको ध्यान रखना है। CBI के पहले निदेशक DP कोहली थे, जिनका कार्यकाल 1963 से 1968 रहा, यह बात भी हमने देखी। वर्तमान में CBI के निदेशक के रूप में सुबोध कुमार जायसवाल की हमने बात करी थी। हमने यह बात भी करी थी CBI को बंद तोते या पिंजरे में बंद तोते की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, CBI को पिंजरे में बंद तोते की संज्ञा दी गई है, यह चर्चा भी हमने करी। CBI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसके कार्यपालक भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा हमने बात करी थी CBI के प्रमुख विभागों की, जिसमें हमने देखा था अन्वेषण एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को, अपराध अभिलेख एवं सांख्यिकी विभाग को, अनुसंधान विभाग को, विधि एवं सामान्य विभाग की हमने बात करी थी। फिर हमने देखा एग्जाम हेल्प के बारे में, जिसमें हमने बात करी इंटीग्रिटी डेवलपमेंट इंडेक्स का विकास केंद्रीय सतर्कता आयोग और IIM अहमदाबाद ने मिलकर किया, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग की। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो, जिसमें हमने समग्र रूप से केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में चर्चा करी, आपके एग्जाम में आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करता है, तो दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, ऐसे व्यक्तियों तक शेयर जरूर करें जो हमारे वीडियोस से अपने एग्जाम की तैयारी में लाभ ले सकते हैं एवं अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं।
दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम ऐप की लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है। आप लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमारी इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस पुस्तक को परचेस करने के लिए भी आपको लिंक प्रोवाइड की हुई है। जो भी विद्यार्थी इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो आसानी से लिंक के माध्यम से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। एकमात्र विकल्प है सिलेक्शन का, पढ़ते रहना, खुद को अपडेट करते रहना, लगातार मेहनत करना। इसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई दूसरा अल्टरनेटिव होता ही नहीं है। तो लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। दोस्तों जय हिंद।